संगठन को और विस्तारित कैसे किया जाए। श्रीमती नैना चौटाला जी, अमरजीत ढांडा जी, सरदार निशांत सिंह जी, अन्य साथियों की एक कमेटी का गठित किया है जो प्रदेश के अंदर संगठन विस्तार और उसके साथ संगठन के आम चुनाव को मॉनिटर करने का काम करे। वहीं दिग्विजय सिंह जी की इच्छा थी कि अब इनसो की जिम्मेवारी किसी नए साथी को राष्ट्रीय लेवल पर दी जाए। उसके लिए ये निर्णय लिया है कि दिग्विजय सिंह, इनसो अध्यक्ष प्रदीप देशवाल, प्रोफेसर रणधीर चीका और अन्य जो एजुकेशन की फील्ड से जुड़े लोग हैं, जैसे प्रोफेसर कात्यायन है, वीसी मौर्य जी, इन तमाम साथियों की एक कमेटी बनाकर अगले 30 दिनों में इनसो को रीस्ट्रक्चर कैसे किया जाए उसके ऊपर अपना विजन देगी कि आगामी एडमिशन सेशन से पहले इनसो की एक नई बॉडी हम गठित करें। वहीं 20 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक संगठन विस्तार के लिए प्रदेश के अंदर संगठन सचिव राजेंद्र लेतानी जी, विधायक दिवेंद्र बबली जी, विधायक जोगीराम जी, अन्य साथियों की एक टीम बनाई गई है जो टीम प्रदेश भर के अंदर मुहिम को मॉनिटर भी करेगी और ज्यादा से ज्यादा साथियों को पार्टी संगठन से जोड़ने का भी। आगामी दिनों में दिल्ली प्रदेश का भी चुनाव, प्रभारी के तौर पर यह जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने मेरे कंधों पर डाली हुई है। मेरे साथ डॉक्टर केसी बांगड़ जी, राष्ट्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव, श्यामलाल जी दिल्ली के सह प्रभारी, दिल्ली अध्यक्ष ओम प्रकाश शेरावत जी, अनंतराम तवर जी और आसपास दिल्ली के लगते हुए गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत के जिला अध्यक्षों की हमने एक टीम गठित करी है जो विधानसभा वाइज पार्टी संगठन का विस्तार दिल्ली में कैसे किया जाए उसके ऊपर कार्य शुरू करेगी। वहीं 3 प्रस्ताव भी पारित किए गए, उनके अंदर भी सर्वसम्मति से पार्टी के पूरे संगठन अपना साथ दिया और कैसे मजबूती के साथ गठबंधन को प्रदेश के अंदर, प्रदेश की जनता की आम समस्याओं के कार्यों में लगाया जाए उसके ऊपर भी साथियों ने अपने सुझाव देने का काम किया, जिसके ऊपर भी डिसीजन लिए गए। संगठन लेवल पर बीजेपी भी अपना काम करेगी, हम भी करेंगे, वो तो संगठन का कार्य है। सरकार के अंदर इस चीज की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। संगठन तो हमारा भी है, संगठन तो उनका भी, संगठन मिलकर चलेगा, संगठन अपना विस्तार करेगा। हाँ, ये जरूर निर्णय आज लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी का कोई भी साथी हमारे संगठन में शामिल नहीं करेंगे। दिल्ली चुनाव में किसी और पार्टी के साथ गठबंधन किया जाएगा? अभी तो दिल्ली में चुनाव लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा इस पे कमेटी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को अपने विचार देगी, किन किन सीटों पर हम प्रस्तावित चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बाद ये निर्णय लिया। जिन लोगों ने 10 साल इस देश को लूटा, आज वो इस देश को बचाने की बात करते हैं, उनसे पूछो तो सर 2G 3G जीजा जी कहाँ गए। आज देश बचाने की बात वो लोग करते हैं जिनने मिलकर इस देश के एक एक वर्ग को, एक एक डिपार्टमेंट को लूट खाने का काम किया। मैं तो हैरान था कि आज जमीन की बातें कर रहे जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के 73,000 एकड़ जमीन की CLU बदल कर किसानों को बर्बाद कर दी, कि कल बड़ा एक शुभ दिन था जब मेरे को गांव में लोगों ने स्वागत किया। वहीं हरियाणा प्रदेश का मॉडल स्किल सेंटर, स्किलिंग सेंटर पहला पनियाला मोटा के चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अप्रूव हुआ है, जिससे आने वाले समय में जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने आप को यहाँ सेटअप करेंगी, जिससे बच्चों को स्किलिंग भी होगी और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होगी। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश के 57
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यह निर्णय लिया गया है कि हर तिमाही फिक्स शेड्यूल के साथ सारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार मिले प्रदेश के अंदर लगाने का काम करेगी, जिससे सिरसा के बच्चे को किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाड़ा जाने की जरूरत नहीं। उन कंपनीज को हम यहाँ बुलाएंगे भी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर इशू करने के बाद उनको डायरेक्ट प्रयासरत रहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं, जिससे जो हमारा टारगेट 75% का है उसके अंदर कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के बच्चों को एम्प्लॉय करें।